तो पहला है नैम इंडिया, तो मुझे लगता है कि एएमसीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 42-43 में लीजिए, 31 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट। दूसरा बाय है बैंक ऑफ बड़ौदा, 79 में लीजिए, 77.50 का स्टॉप लॉस, 84 का टारगेट। अच्छे दिन कब आएंगे भसीन सर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। अच्छे ही दिन है, दिन कभी खराब नहीं होते सर। तो प्रॉफिट बांधना और मार्केट के साथ चलना तो दस्तूर है। और देखिए, ग्लोबल मार्केट वीक है और हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ जैसे मैंने आपको कहा, इट इज इनएविटेबल कि थोड़ा सा करेक्शन जरूर है। और मुझे कॉशियस हूँ, इन द नेक्स्ट 15 डेज आई वुड से टेक सम मनी ऑफ द टेबल और प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग पोजिशन। मार्केट्स आर यू नो क्लाइंबिंग ऑल वॉल्स ऑफ वरी और ग्लोबल क्यूज विल बी लिटिल डेट्रीमेंटल इन द कमिंग वीक्स। तो प्रॉफिट टेकिंग इज अ नेसेसरी मस्ट इफ यू आर यू नो ऑन योर ट्रेडिंग पोजिशन और प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको एक अपडेट भी दे दूं, कल मैंने आपको SBI लाइफ में शॉर्ट कराया था और सीमेंस लॉन्ग कराया था। 2182 वाला सीमेंस 2262 बिक गया और 1225 वाला SBI लाइफ आज सबसे वीक स्टॉक है, 1168 बिक गया। तो दोनों तरफ के ट्रेड रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। आज के लिए भी एक बाय एक सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। यस सर। तो पहला बाय होएगा DLF। मुझे लगता है रियल इस्टेट में DLF ने करेक्शन अच्छा दे दिया, 345 से 30 में, 30-30 में लीजिए, 25.88 का स्टॉप लॉस, 338 का टारगेट। और सेल में है टाइटन। टाइटन हैज बीन एन आउट परफॉर्मर बट यहाँ बहुत फटीग और ओवरबॉट है, 2042 में बेचिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2069, टारगेट ऑफ 1990-2000। ओके भसीन सर, आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स और थैंक यू सो मच। भसीन साहब अब फोन देने हमसे बातचीत करेंगे और उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जाएंगे। रसीन साहब, एक्सटेंडेड वीकेंड एक रिस्क भी है और थोड़ा रिस्क को हमें मैनेज करते हुए जाना है कुछ स्टॉक्स को। इंडेक्स पे तो कोई खैर शायद अब व्यू आपसे नहीं लूंगा मैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या दो स्टॉक्स वो ऐसे होंगे जो आप लेके जाएंगे वीकेंड पर? वीरेंद्र जी, पहले अपडेट कर दूं आपको, REC, PFC, भारती, इंडियन होटल और अशोक लीलैंड देखिए क्या आउट परफॉर्मर्स हैं। और जब सबसे ज्यादा मंदी साई हुई थी इनमें, मैंने तब आपको कहा था 10-12% बढ़ गए REC, PFC, भारती तो कोई पूछने, अब आप देखिए न्यू हाईज मार रहे हैं। मेरी अभी भी अप्रोच ये है, बी हैज मार्केट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कैन गिव शार्प करेक्शन, बी वेरी 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 ऑफ मेटल्स एंड IT एंड इन मिड कैप्स ऑल्सो दे विल बी अपॉर्चुनिटीज। तो दो बाय एक सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला भाई है सर टाटा केमिकल, मुझे 825-27 पे बहुत पसंद है, 809 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट। अपोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 214 पे 10-10 का टारगेट, स्टॉप लॉस 222 का टारगेट। और सेल बेचिए 121-22 में, 2380 का स्टॉप लॉस, 116 का टारगेट। सेल विल बी द वीकर स्टॉक विच विल बी बिकॉज ऑल ओवर देर इज वीकनेस इन कमोडिटीज, तो बी वॉचफुल ऑफ दैट। दो लॉन्ग कॉल्स आपके पास आते हुए अपोलो टायर्स और टाटा केमिकल्स में, और अगर आप चार्ट्स देखें तो बखूबी आपको भसीन साहब उस डिप को खरीदते हुए देख रहे हैं जहां पर आप इस स्टॉक को करेक्ट करते हुए देख रहे हैं लॉन्ग टाइम हाई से। 830 आपके सामने टाटा केमिकल्स और 214 आप अपोलो टायर्स को देख रहे हैं। अपोलो टायर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे स्क्रीन पर तो यहाँ पर उच्चतम लेवल कुछ समय पहले आपको लगता हुआ दिखा था, लगभग समझ लीजिए 224 रुपये, तो फिलहाल 215। और अगर आप टाटा केम देखें तो यहाँ पर 829 का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, और इमीडिएट हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई भी था, वो है 890। तो इन दोनों डिप्स को खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है।